प्रभात प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट व्यष्टि अर्थशास्त्र में आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है उपभोक्ता का संतुलन तटस्थता वक्र द्वारा या तटस्थता या उदासीनता वक्र विश्लेषण व उपभोक्ता का साम्य। अब देखिए, हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हम इसमें दो बातें पढ़ने वाले हैं कि एक तो उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करना, क्लियर, उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करना। लेकिन उपभोक्ता का संतुलन कैसे ज्ञात करना, तटस्थता वक्र के द्वारा उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात करना। इसे हम जो नाम देते वो है तटस्थता या उदासीनता वक्र विश्लेषण व उपभोक्ता का साम्य। टॉपिक पढ़ने से पहले क्लियर यह होना चाहिए कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपभोक्ता का साम्य क्या होता है या संतुलन क्या होता है। एक शब्द है उपभोक्ता का साम्य या संतुलन, इक्विलिब्रियम बातें की है। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप एक उपभोक्ता हैं तो आपके साम्य का क्या मतलब है, तो उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करने से पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि एक उपभोक्ता करता क्या है। उपभोक्ता क्या करता है, उपभोग करता है, तभी तो वह उपभोक्ता है। तो उपभोग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, यही तो करना पड़ता है। और मुद्रा खर्च करने के बाद में हम वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं या उनको क्रय करते हैं, क्लियर। एज ए कंज्यूमर हमारा बिहेवियर क्या होता है कि हम उपभोग करने के लिए मुद्रा खर्च करते हैं, वस्तु और सेवाओं को क्रय करने के लिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास पैसा है तो या मुद्रा है तो आप उसे किस प्रकार खर्च करेंगे। आपका जवाब यही होगा कि हम पैसा खर्च तो करेंगे, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि कम से कम तो हमें पैसा खर्च करना पड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु या सेवाओं को खरीद सकें, ठीक है, यही तो आप करते हैं। तो उपभोक्ता के साम्य का मतलब ये हुआ कि एक उपभोक्ता इस प्रकार मुद्रा खर्च करे। ध्यान से सुनिएगा कि एक उपभोक्ता के साम्य का जनरली अर्थ ये होगा कि उपभोक्ता इस प्रकार मुद्रा खर्च करे या पैसा खर्च करे कि उसे ज्यादा से ज्यादा वस्तु व सेवाएं मिले, क्लियर। आप बाजार जाते हैं, आपके पास जेब में 50 रुपए हैं, आपको आलू खरीदने हैं। अलग अलग जो ठेले वाले हैं वो आलूओं का अलग अलग रेट लगाएंगे, कोई 50 रुपए किलो, कोई 40 रुपए किलो, कोई 30 रुपए किलो। तो आप किस ठेले वाले के पास जाना पसंद करेंगे जो 30 रुपए किलो आलू बेच रहा है, क्यों, क्योंकि आप कम से कम पैसा देना चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आलू खरीदना चाहेंगे। एज ए कंज्यूमर, एज ए उपभोक्ता, व्यक्ति का व्यवहार भी यही होता है कि वो कम से कम तो मुद्रा खर्च करना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु व सेवा को प्राप्त करना चाहता है। जब व्यक्ति ऐसा करने में सफल हो जाता है कि वह कम से कम पैसा खर्च करे, ज्यादा से ज्यादा वस्तु व सेवाओं को प्राप्त कर सके, तो हम कहेंगे कि उपभोक्ता किसमें है, उपभोक्ता साम्य में है, क्लियर। उपभोक्ता साम्य में है, साम्य का मतलब होता है द बेस्ट कंडीशन, ठीक है। उपभोक्ता के लिए द बेस्ट कंडीशन, सर्वोत्तम स्थिति क्या होगी कि वो कम से कम पैसा खर्च करे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को प्राप्त कर सके, तो ये उपभोक्ता का साम्य कहलाता है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कि उपभोक्ता का संतुलन या साम्य ज्ञात करना, ठीक है। अब हम उपभोक्ता का संतुलन या साम्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम कोई नियम लगाएंगे, कोई ट्रिक लगाएंगे, कुछ तो टूल्स यूज़ करेंगे या कुछ तो औजार यूज़ करेंगे, कोई तो थ्योरी यूज़ करेंगे। तो हम उपभोक्ता का जो संतुलन है वो ज्ञात करेंगे उदासीनता वक्रों से या तटस्थता वक्रों से, क्लियर। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि हमें उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करना है कि उपभोक्ता कम से कम पैसा खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु व सेवाओं को खरीद सके। उपभोक्ता इस कंडीशन को प्राप्त कर सकेगा या किस प्रकार प्राप्त कर सकेगा, इसके लिए हमारे पास कोई तरीका तो होना चाहिए। तो हम किस तरीके को यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं तटस्थता वक्रों को या उदासीनता वक्रों को। हम क्या क्या इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो विद्यार्थियों, हम इस टॉपिक में जो जो पॉइंट पढ़ेंगे वो मैं आपको पॉइंट वाइज पहले बता देती हूँ, ताकि आपके सामने एक फ्रेमवर्क क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चूँकि हम उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करेंगे और वो साम्य हम तटस्थता वक्रों के द्वारा ज्ञात करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमें तटस्थता वक्र क्या होते हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। उसके बाद में हम इन वक्रों का यूज़ करके उपभोक्ता का साम्य या संतुलन ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि तटस्थता या
उदासीनता वक्र की पृष्ठभूमि क्या है, आए कहाँ से, ये किन्ने इनका इजाद किया, किस व्यक्ति ने इनको यूज किया, किसने इसको पॉपुलर बनाया। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जो तटस्थता वक्र हैं क्या होते हैं, ठीक है, तटस्थता वक्र क्या होते हैं, इसका मतलब हम इसमें इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, क्लियर। उसके बाद में हम इनकी जो तटस्थता वक्र है इनकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, क्लियर, कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम तटस्थता वक्रों के अंदर एक विशेष जो शब्द है वो मैं अभी आपको बताती हूँ, जो हम बाद में क्लियर करेंगे, वो है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ठीक है, हम प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, इसको हम पढ़ेंगे। ये तो हो गया हमारा उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्रों के बारे में। फिर उसके बाद में हम आएंगे उपभोक्ता के साम्य पर, उपभोक्ता का साम्य उदासीनता वक्रों के द्वारा या तटस्थता वक्रों के द्वारा, बात देखी है। तो फिर हम पढ़ेंगे कि उदासीनता वक्रों से हम उपभोक्ता का साम्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है, पहले हम ये पढ़ेंगे कीमत रेखा या बजट रेखा क्या होती है। उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि प्राइस लाइन या बजट लाइन या कीमत रेखा प्लस तटस्थता वक्र से हम किस प्रकार उपभोक्ता का साम्य ज्ञात कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद में जो हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो बहुत ही इजीएस्ट है, फिर हम पढ़ेंगे कीमत उपभोग वक्र, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे आय उपभोग वक्र। तो ये पूरा का पूरा एक फ्रेम आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम ये है कि तटस्थता वक्र विश्लेषण व उपभोक्ता का साम्य। हम उपभोक्ता के साम्य को ज्ञात करेंगे तटस्थता वक्रों से। उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र होते क्या हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, इनकी परिभाषा बताएंगे, इसकी विशेषता बताएंगे, और इस तटस्थता वक्र से संबंधित एक टर्म आती है प्रतिस्थापन की सीमांत, उसका अध्ययन हम करेंगे। फिर हम उपभोक्ता का साम्य उदासीनता वक्रों द्वारा ज्ञात करेंगे, लेकिन साम्य ज्ञात करने से पहले हमें बजट रेखा या कीमत रेखा के बारे में पता होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, हम प्राइस लाइन और तटस्थता वक्रों को एक साथ रख के उपभोक्ता का साम्य ज्ञात करेंगे। हमारा जो पूरा का पूरा टॉपिक है उसका जो कंक्लूजन है इस बी पॉइंट में निकलेगा। बच्चों होता क्या है कि स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो ये मूल बात जान ही नहीं पाते कि हम इस टॉपिक में पढ़ते क्या हैं, हमें पढ़ना क्या है। ऐसा ही अक्सर तटस्थता वक्र के बारे में आ जाता है कि बच्चे पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उसकी मूल बात उनको पता ही नहीं होती कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं। इसलिए मैंने आपको स्पेशली ये वीडियो द्वारा समझाया है कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। तो ये मूल चीज़ है जो हम पढ़ेंगे। फिर लास्ट में इसके कुछ अपेंडिक्स टॉपिक हैं या सब टॉपिक है, कीमत उपभोग वक्र क्या होता है और आय उपभोग वक्र क्या होता है। तो अब हम आपको शुरू करने वाले हैं तटस्थता वक्र की पृष्ठभूमि। अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। आप चाहें तो वीडियो के थ्रू ये जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है आप इसे अपनी कॉपी पे उतार सकते हैं, ताकि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें तो आपके सामने एक क्लियरिटी रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्लियर। तो आप इसको चाहे तो उतार सकते हैं, वीडियो अभी होल्ड पे है। अब हमारा जो सबसे पहला बात है, सबसे पहला जो बात टॉपिक है वो ये है कि तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, एक अंग्रेज अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एजवर्थ, क्लियर, उनका नाम था एजवर्थ। उन्होंने 1888 में सबसे पहले उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया। उदासीनता वक्रों का प्रयोग सबसे पहले 1888 में एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री थे उन्होंने किया।
फिर उसके बाद में क्या हुआ, इटली के अर्थशास्त्री थे पेरेटो, पेरेटो जो कहाँ के थे, इटली के थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1906 में इस वक्र में कुछ सुधार किए और सुधार करके इनका प्रयोग किया, क्लियर। फिर उसके बाद में 1934 में दो अंग्रेज अर्थशास्त्री आए, जिसमें से दो थे हिक्स और सिलुट्सकी। हिक्स और सिलुट्सकी, उन्होंने क्या किया, इन उदासीनता वक्रों को प्रयोग करके बहुत ही ज्यादा फेमस या लोकप्रिय बना दिया। अभी बस समझ में क्या पृष्ठभूमि है कि सबसे पहले एजवर्थ नाम के अर्थशास्त्री ने 1888 में उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया। 1906 में इटली के एक पेरेटो नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसमें थोड़ा बहुत सुधार किया, लेकिन इसका प्रयोग किया, कुछ सुधार किए हिक्स और सिलुट्सकी ने जो कि इंग्लैंड के थे, उन्होंने इसको लोकप्रिय बना दिया। उसके बाद में अर्थशास्त्र में इन वक्रों का प्रयोग बहुतायता से हो रहा है। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि। अब हम आपको उदासीनता वक्रों के बारे में बताएंगे कि क्या होते हैं उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र, यानी कि परिभाषा की बात करेंगे। अब हम जो दूसरा टॉपिक है उस पर आते हैं, वो है कि व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व, एक उदासीनता वक्र क्या होता है, एक तटस्थता वक्र क्या होता है, ठीक है। इसको समझाने से पहले मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी है, क्लियर, बहुत जोरों की भूख लगी है, उसके सामने 5 थालियाँ सजाई गई हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। उसके सामने 5 थालियाँ सजाई गई है, जिसमें 2 रोटी 4 ब्रेड और 1 सब्जी है, क्लियर। दूसरी थाली में 1 रोटी 5 ब्रेड और 1 सब्जी है। तीसरी थाली में 3 रोटी 3 ब्रेड 1 सब्जी है। एक थाली में 4 रोटी 2 ब्रेड 1 सब्जी है और 5वीं थाली में 5 रोटी 1 ब्रेड और 1 सब्जी है। ध्यान से समझिएगा उदासीनता वक्र क्या होते हैं, ये समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को भूख लगी है और उसके सामने ये 5 थालियां सजा दी गई हैं और उसको ये कहा गया है कि इन सभी थालियों में से वो किसी भी थाली की रोटी या ब्रेड खा ले, उसकी जो उपयोगिता है, उसे जो संतुष्टि मिलेगी वो समान मिलेगी, ठीक है। एक व्यक्ति को जोरों की भूख लगी है, उसे कहा गया है कि चाहे वो ये थाली चूज कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, कोई भी एक थाली चूज कर ले, तो उसमें क्या होगा कि उसे उपयोगिता या संतुष्टि समान मिलेगी। अगर व्यक्ति को ऐसा कह दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो इन 5 थालियों में से किसी भी थाली को चूज करने के लिए उदासीन हो जाएगा या न्यूट्रल हो जाएगा या तटस्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो किसी भी थाली का प्रयोग करे उसको मिलने वाली संतुष्टि समान रहेगी। संतुष्टि प्रत्येक थाली से मान लीजिए 100 यूटिल्स के बराबर मिल रही है। हम 100 में नाप लेते हैं इसको, 100 यूटिल्स के। यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स उपयोगिता को मापने का एक मेजरमेंट है जो कि वालरा नाम के, जो कि वालरा नाम के अर्थशास्त्री ने बताया था कि हम उपयोगिता को यूटिल्स में माप सकते हैं। तो वो यूटिल्स हमने यहाँ पे ले लिए, तो 100 यूटिल्स पर थाली से मिल रहा है। अब उपभोक्ता को एक थाली चूज करने के लिए कहा जाएगा तो वो कोई सी भी थाली चूज कर लेगा क्योंकि उससे उपयोगिता समान मिल रही है। तो यहाँ पे जो आपका उपभोक्ता है वो उदासीन हो गया। लेकिन अगर आप थालियों में जो सामान रखा हुआ है उसको अगर कंपेयर करें तो आपको क्या दिखेगा कि हर थाली में रोटी और ब्रेड की जो मात्राएं हैं वो भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। थाली में रोटी और ब्रेड की मात्राएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन
समग्र रूप से हर थाली से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो समान है, इसलिए उपभोक्ता किसी भी थाली को चूज करने के लिए न्यूट्रल है या उदासीन है। क्लियर। इसी आधार पर एक उदासीनता वक्र बनाया जाता है। क्या होता है उदासीनता वक्र? यहाँ पर मैंने 5 थालियाँ ली हैं, 5 थालियों को आप 5 संयोग मान लीजिए और 2 वस्तुएं मान लीजिए, आप सब्जी को भूल जाइए क्योंकि सब्जी सब में मिल रही है। तो एक उदासीनता वक्र क्या है, यहाँ आप रोटी ले लीजिए, यहाँ आप ब्रेड ले लीजिए, ठीक है, अब थोड़ी मैं मात्राएं बदल दूंगी, ठीक है, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये इन दोनों के बीच में एक वक्र है जिसे मैं अभी बाद में क्लियर करूंगी। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि वही हमने रोटी की मात्रा और ब्रेड की मात्रा ले ली है, ठीक है, उपभोक्ता 5 रोटी और 1 ब्रेड खा सकता है, 4 रोटी या 2 ब्रेड खा सकता है, 3 रोटी या 3 ब्रेड खा सकता है, 2 रोटी प्लस 4, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सही बना है, 2 रोटी 4 ब्रेड खा सकता है या 1 रोटी या 5 ब्रेड खा सकता है। तो ये पहली थाली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी थाली हो गई, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि उपभोक्ता के सामने खाने के लिए 2 प्रकार की वस्तुओं के अलग अलग संयोग है। ध्यान से सुनिएगा, एक उपभोक्ता के सामने 2 प्रकार की वस्तुओं के अलग अलग संयोग है, हर संयोग से मिलने वाली उपयोगिता समान है, मान लीजिए 100 यूटेंस के बराबर है, तो उपभोक्ता इनमें से कोई सा भी संयोग चूज कर सकता है, प्रत्येक संयोग पर मिलने वाली उपयोगिता समान है। और इन संयोगों को जब हम जोड़ देते हैं तो निकल के आया जो ग्राफ है वही कहलाता है उदासीनता वक्र। तो उदासीनता वक्र क्या हुआ, तो अब हम उदासीनता वक्र की परिभाषा की बात करेंगे। ये उदासीनता वक्र है जो 2 वस्तु x और y के बीच में बनाया गया है। अब हम परिभाषा क्लियर करते हैं। एक उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के अलग अलग संयोगों को विभिन्न मात्राओं के अलग अलग संयोगों को दर्शाता है, जहां प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है तथा उपभोक्ता किसी भी संयोग के लिए तटस्थ या उदासीन रहता है। तथा किसी भी संयोग को उपभोग के लिए चुन सकता है। क्लियर। तो क्या हुआ, अब आप देख लीजिए, ये हमने एक उदासीनता वक्र बनाया है जो वस्तु x और वस्तु y के बीच में है। उदासीनता वक्र के अलग अलग संयोग हैं a, b, c और d। a संयोग पर उपभोक्ता को उपभोग करने के लिए 4 तो x और 1 इकाई x वस्तु के उपभोग को मिल रही है। b संयोग पर उपभोक्ता को y की 3 इकाई
और एक्स की 3 इकाई उपभोग करने के लिए मिल रही है। सी संयोग पर उपभोक्ता को वाई की 2 इकाई और एक्स की 6 इकाई उपभोग करने को मिल रही है। और डी संयोग पर उपभोक्ता को वाई की 1 ही इकाई और एक्स की 10 इकाई उपभोग करने को मिल रही है। इन विभिन्न संयोगों को ए बी सी डी को जब जोड़ दिया जाता है तो ये जो ग्राफ निकल के आया है इसे हम बोलते हैं इनडिफरेंस कर्व या उदासीनता वक्र। जो क्या बताता है, यहाँ पे आपको क्या दिखा, 2 वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु वाई वस्तु, इनके अलग अलग संयोग हैं, हर संयोग पर y और x की अलग अलग मात्रा है, a संयोग पर 4 और 1 है जबकि b संयोग पर 3 और 3 है, c पर 2 और 6 है और d संयोग पर 1 और 10 है। तो क्या परिभाषा हुई, एक उदासीनता वक्र 2 वस्तुओं के संदर्भ में होता है। सबसे पहले 2 वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के, 2 वस्तु हैं y और x और उनके अलग अलग मात्राएं क्या है, 1, 3, 6, 10, 1, 2, 3, 4, विभिन्न मात्राओं के अलग अलग संयोगों को, ये अलग अलग संयोग हो गए, संयोगों को दर्शाता है। ठीक है, 2 वस्तु है, अलग अलग मात्राओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जहाँ प्रत्येक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। उपभोक्ता किसी भी संयोग के लिए तटस्थ या उदासीन रहता है और किसी भी संयोग को उपभोग करने के लिए वो उसको चुन सकता है। तो ये एक तटस्थता वक्र है जो क्या शो करता है कि 2 वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं के अलग अलग संयोग है। उपभोक्ता को चाहे ए संयोग दिया जाए, बी दिया जाए, सी दिया जाए, डी दिया जाए, वो प्रत्येक संयोग को चुनने के लिए तटस्थ है क्योंकि उसे तो सिर्फ उपभोग करना है और उसे उपभोग से संतुष्टि चाहिए। अगर समान संतुष्टि मिल रही है हर संयोग से तो वो किसी भी संयोग को चुन सकता है। ये उदासीनता वक्र है। अब हम इस उदासीनता वक्र की ये जो हमने विशेषताएं बताई, समान संतुष्टि, अलग अलग संयोग, विभिन्न मात्राएं, ठीक है, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन उदासीनता वक्रों की या इस उदासीनता वक्र की क्या विशेषता होती है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, बहुत इम्पॉर्टेंट है और 99.9% ये जो सवाल है, ये जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उदासीनता वक्र की विशेषताओं की।